सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले जावेद अख्तर के बारे में। तो जावेद अख्तर रिसेंटली गए हुए पाकिस्तान, जहाँ पे उन्होंने एक स्पीच दिया जो बहुत वायरल हो रहा है, तो उसका एक क्लिप देखिए। यहाँ मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा, हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इसके ऊपर कंगना रनौत रिएक्ट करते हुए लिखी, जब मैं जावेद साहब की पोएट्री सुनती हूँ तो लगता था ये कैसी माँ सरस्वती जी की इन पे इतनी कृपा है, लेकिन देखो कुछ तो सच्चाई होती है इंसान में, तभी तो खुदाई होती है उनके साथ में। जय हिंद जावेद साहब, घर में घुसकर मारा। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान गुस्सा है सोनी लिव ऐप पे, क्योंकि सोनी लिव ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी एड्स आ रहे। तो इसके ऊपर वो लिखे, डज एनीवन यूज सोनी लिव ऐप, दिस हैज टू बी द ओनली ओटीटी जो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी एड्स दिखा रहे, हो इवन पे फॉर मंथली सब्सक्रिप्शन, अगर उसके बाद भी 10 एड्स देखनी पड़ेगी एक एपिसोड में, और स्ट्रीमिंग भी एवरेज है इनकी कंपेयर टू नेटफ्लिक्स। तो चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। हम बात करने वाले उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद ने एयरपोर्ट जाने के टाइम एक उबर बुक की थी, लेकिन वो ड्राइवर उर्फी जावेद के लगेज लेके भाग गया। इसके ऊपर वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी शेयर किया, देखिए। सो आई हैड अ रियली बैड एक्सपीरियंस विद उबर टुडे। तो मैंने उबर बुक करी थी एंड हमने एक जगह रुकवाया था, मैंने उसको थोड़ा 6 घंटे के लिए बुक करी थी। तो वो बंदा फिर गायब हो गया मेरा सामान लेके, ही वैनिश्ड एंड आई एम लाइक क्या है। मैं उसको कॉल कर रही हूँ कि प्लीज आ जाओ, और उसकी लोकेशन दिखा रहा है कहीं 1 घंटा दूर। वो गायब हो गया सामान लेके एंड देन ही इज नॉट इवन मूविंग, वो सामान लेके वापस भी नहीं आ रहा, मेरी फ्लाइट मिस हो रही थी। देन मैंने एक मेल फ्रेंड को कॉल किया, फिर जब उसको किसी आदमी ने बात करी, देन ही गॉट स्कैर्ड कि किसी आदमी की आवाज आ रही है, लड़की की आवाज पे तो वो डर ही नहीं रहा था। फिर देन ही केम बैक 1-1.5 घंटे बाद मेरा सामान लेके, ड्रंक लाइक एनीथिंग, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक एंड देन पता नहीं वो क्या कर रहा था। लाइक उबर, योर सेफ्टी इज, इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स टू ट्रैवल इन उबर इन दिल्ली, नॉट एट ऑल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले फिंग के बारे में। तो फिंग ने कल एक स्टोरी लगाया, वन मदर फादर ऑलमोस्ट टैप मी राइट नाउ, आई सर्वाइव, फॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं। फिर वो इसके ऊपर कुछ बोले, देखिए। तो अभी ऋषि और मैं वापस आ गए हैं स्टूडियो, कुछ तो हुआ है आज, ठीक है, कोई तो चूतिया था, ठीक है, भसड़ हो गई एंड ही लॉस्ट हिज शिट, लाइक पागल नहीं हो जाते एकदम। तो उसने भाई किचन में घुसा, पहले प्लेट निकाली, फिर चाकू निकाल लिया, बच गया मैं। ऋषि भैया थे साथ में, ऋषि भैया ने जो करा है ना आज, तो मैं मतलब मैं अभी बता नहीं सकता, मेरे को अपने लॉयर से बात करनी पड़ेगी पहले। फिर वो और एक स्टोरी अपलोड किया, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी, कुछ लोगों के लिए फाइन नहीं रहेगा अब, बट स्टिल एवरीथिंग इज गुड।